बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र BA सेकेंड ईयर में है, एजुकेशन जिसे हम शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, उसका हम सेकेंड पेपर लेके आए हैं। और ये यूपी की आल यूनिवर्सिटी, चाहे आप कह सकते हैं बिहार से भी हैं तो भी आपको फॉलो होगा, MP से हैं तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड से हैं तो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाएंगे, मतलब कि 2022 में कह सकते हैं कि आप 2022 में टॉपर बनने वाले हो। आपको ये तो पता होगा अभी आगरा यूनिवर्सिटी में एक पेपर हुआ है हाल ही में, जो क्वेश्चन मैंने आपको MCQ क्वेश्चन दिए थे वही क्वेश्चन पेपर में आए थे, तो आप ये खुद लगा सकते हैं अंदाजा कि हम जो क्वेश्चन देते हैं वो पेपर में आते हैं। आप कोई भी पेपर दे रहे हैं उसको पहले आप हमारे क्वेश्चनों से कंपेयर कर लीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप हम पे विश्वास करिए, आप अपने आप पर विश्वास करिए। विश्वास करने का सिर्फ एक ही मकसद है, आपको प्रूफ होना चाहिए तब आप विश्वास करोगे। तो मैं आपको ना प्रूफ देता हूँ मैं आपको। आप क्या करिए, जो भी हमारे पेपर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, आपका पेपर एक दो हो गया है, उन पेपर से कंपेयर कर लीजिए कि सर ने कितने दिन पहले एक वीडियो डाली थी और कितने दिन बाद ये पेपर जो हुआ है वो सेम टू सेम हुआ है या नहीं, बस ये देखना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ और यहाँ कंपेयर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस जो है वो करिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आपको फेल करने वाला कोई नहीं है, आप 85% प्लस लाएंगे 2022 के एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये क्या है, एजुकेशन का सेकंड पेपर है। ठीक है, शिक्षा में विचार एवं अभ्यास बोला गया है। ठीक है, थॉट एंड प्रैक्टिस इन एजुकेशन। अब यहाँ पहला क्वेश्चन देखेंगे जो 2022, आप अपने बुक नोट्स गेस्ट पेपर जो भी हैं आपके पास नोट्स हैं, ठीक है, या फिर आपने बुक ले रखी है, ठीक है, या फिर आपके पास गेस्ट पेपर ले रखे हैं, ठीक है, या फिर आपने सीरीज ले रखी है, क्या ले रखी है बेटा, सीरीज, या आपने सीरीज ले रखी है, तो आपको बस ये पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं देखना है। अब यहाँ बोला गया पहला क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ले आइए। शिक्षा क्या होती है, पहला क्वेश्चन आज सबसे पूछता है भाई एजुकेशन है क्या, बताओ बताओ क्या है एजुकेशन, शिक्षा है क्या, ये बताइए। उनके बोला क्या है, उनके संकुचित अर्थ क्या है, मतलब कि शिक्षा का अर्थ बताइए, परिभाषा बताइए, उनकी विश्लेषणात्मक अर्थ बताइए, मतलब कि उसकी विशेषता सहित अर्थ बताना है, और उनकी प्रक्रिया के बारे में डिस्कस कर देना है एजुकेशन के बारे में। वहां बोला गया है दर्शन क्या होता है, दर्शन क्या होता है, परिभाषा बताइए, विषय क्षेत्र में वर्णन करिए, शिक्षा और दर्शन में एक ही सिक्के के पहलू है, ये आप कथन में स्पष्ट करिए। ये बोला गया है कि शिक्षा और दर्शन है वो एक ही सिक्के के पहलू है, आपको स्पष्ट करना है। वहीं आपको नीचे जाएंगे और नीचे दे रखा है आदर्शवाद क्या होता है, आदर्शवाद क्या होता है, विशेषता और उनके उद्देश्यों को देख लेना, आदर्शवाद क्या होता है, उनकी विशेषता उद्देश्यों को देखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगाते रहिए अपने बुक नोट्स गेस्ट पेपर जो भी है, बस यही पढ़ना है तुम्हें 2022 में, कुछ और नहीं पढ़ना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई नहीं है, आप 85% प्लस लाएंगे, आपको जबरदस्त तरीके से, चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा प्राकृतिक प्रकृतिवाद किसे कहते हैं, प्रकृतिवाद के दार्शनिक दृष्टिकोण, उनकी विशेषता उनके उद्देश्यों को देखना है। वही क्वेश्चन है कि प्रयोजनवाद क्या होता है, उद्देश्य उनके सिद्धांतों को देखना है, प्रयोजनवाद के उद्देश्य और सिद्धांत क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पर टिक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान से देखेंगे जिसे कहते हैं यथार्थवाद क्या है। ठीक है, यथार्थवाद की परिभाषा, और यहां बोला गया है अरविंद घोष के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में, अरविंद घोष ने एक शिक्षा संबंधी विचार दिया था, उस विचार के बारे में आपको याद करना है। ठीक है, वही है रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षण शैक्षिक विचार और उनके सिद्धांत, मतलब बोला गया है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने एक सिद्धांत दिया था और शिक्षा के लिए एक विचार दिया था कि भाई आपको शिक्षा जो प्राप्त करनी है तो इस तरीके से प्राप्त करना चाहिए। इसी तरीके से एक महात्मा गांधी ने भी एक विचार दिए थे, उन्हें महात्मा गांधी का क्या विचार था शिक्षा के प्रति, वो आपको देख लेना है, उसके सिद्धांत क्या थे। ये आप देख रहे हैं किंडरगार्टन प्रणाली के सिद्धांतों के बारे में बताना है, और साथ ही साथ शिक्षण विधि और उनके मूल्यांकन को भी याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मॉन्टेसरी पद्धति क्या होती है, उसके सिद्धांत, उसकी विधियां, मूल्यांकन, उनके गुणदोषों के बारे में याद कर लेना है, ये क्वेश्चन पर आप टिक लगाइए। उसके बाद में आप नीचे जाएंगे बेटा, सभी लोग ध्यान से देखिए, उसके बाद नीचे जाएंगे और आप स्क्रॉल पर देखो डाल्टन देख रहे हैं आप, जो डाल्टन
प्रविधि कह सकते हैं, प्रविधि क्या होती है, उसके सिद्धांत उसके उद्देश्यों के बारे में याद कर लेना है। वही है प्रोजेक्ट योजना पद्धति की व्याख्या और सिद्धांत, मतलब कि प्रोजेक्ट योजना पद्धति की व्याख्या क्या है वो आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशासन क्या होता है, अनुशासन के बारे में, अनुशासन क्या है, प्रकृतिवाद व पाठ्यक्रम का वर्णन करना है, मतलब प्रकृतिवाद दर्शन के दोष क्या होते हैं ये हम याद करके जाएंगे। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, आप देख सकते हैं, ध्यान से आप याद करिए। उसके बाद में नीचे हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन पर देखो ये बोला गया है अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की विशेषताएं, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है ना, कहते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ बहड़ी बरेली, बहुत जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी है नेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से, उसे अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं, तो वो चीज़ क्यों है, उसकी क्या है, उस यूनिवर्सिटी में ऐसे कुछ खासियत होती है जो हर देश में उस यूनिवर्सिटी के थ्रू ही सब कुछ पढ़ाया जाता है, कोर्स वही होता है, जितने भी देश होते हैं तो वो अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। भाई बोला गया शिक्षा के क्षेत्र में जो गुरजू भाई थे उनका योगदान क्या रहा है, जीवन उनके कार्यों के बारे में बताइए। ये पूछा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो गुर्जर भाई थे या फिर गुरजू भाई कह सकते हैं, उनका योगदान क्या रहा है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना था। वही है बाल देवो भव, जानते हो ना एक वर्ड था बाल देवो भव, क्या है, महात्मा गांधी जी के बुनियादी शिक्षा जिसे हम बेसिक शिक्षा बोलते हैं उनको संक्षिप्त में लिखिए, मतलब महात्मा गांधी जी द्वारा एक बुनियादी शिक्षा को एक बेसिक शिक्षा का नाम दिया गया था बोला जाता है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बनता है, आप इस क्वेश्चन पर टिक लगाइएगा। उसके बाद में लास्ट में ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं जिसे कहते हैं स्वामी विवेकानंद के स्त्री शिक्षा पर और उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, मतलब विवेकानंद ने शिक्षा का अर्थ क्या बताया और स्त्री शिक्षा का अर्थ के बारे में, मतलब एक स्त्री होती है महिलाएं जो होती है उनके शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या विचार दिए। ये क्वेश्चन थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं, मतलब कि 2022 के आप टॉपर बनने वाले हो। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पेपर हैकर को तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, एक न्यू चैनल है जिसका नाम है खिलाड़ी भैया XYZ, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा, व्हाट्सअप नंबर भी हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू।